हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो कि 29 जनवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। हेलो डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे लेट अस लर्न अबाउट सम फ्रूट्स दैट वी ईट। आज हम उन कुछ फलों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम खाते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में फलों के बारे में बताया गया है, तो चलिए फलों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे, एप्पल। तो यहाँ लिखा है आई एम एन एप्पल एंड आई एम रेड इन कलर। मैं एप्पल हूँ, सेब हूँ और मैं लाल रंग का हूँ। I am very sweet and healthy to eat. मैं खाने में मीठा हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद हूँ, स्वास्थ्यवर्धक हूँ। हेल्दी होता है फ़ायदेमंद, स्वास्थ्यवर्धक। सेकेंड पिक्चर में आप देख कर समझ ही गए होंगे, I am yellow and long. मैं पीले रंग का और लंबा हूँ। Monkeys and elephants like to eat me a lot. जो monkeys बंदर होते हैं और elephants हाथी होते हैं, उन्हें मुझे खाना पसंद है। माई नेम इज़ बनाना, मेरा नाम बनाना है। थर्ड पिक्चर में आप देखकर फ्रूट को समझ ही गए होंगे, वेरी गुड, वाटरमेलन है। तो यहाँ लिखा है आई एम ग्रीन बट रेड फ्रॉम इनसाइड। मैं हरा हूँ परंतु अंदर से लाल हूँ। यू कैन ईट मी इन समर, आप मुझे समर गर्मियों में खा सकते हैं। आई एम अ वाटरमेलन, मैं एक वाटरमेलन तरबूज हूँ। अब नेक्स्ट पिक्चर में ऑरेंज है, यहाँ लिखा है आई एम एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज हूँ, संतरा हूँ। यू कैन ईट मी एज अ फ्रूट और ड्रिंक मी एज अ जूस, आप मुझे फल की तरह भी खा सकते हैं और जूस की तरह भी पी सकते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ विटामिन सी एंड माई कलर इज़ ऑरेंज टू, मेरे अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है और मेरा रंग भी ऑरेंज संतरी कलर का होता है। नेक्स्ट पिक्चर में आई एम अ स्ट्रॉबेरी, मैं एक स्ट्रॉबेरी हूँ। आई एम रेड इन कलर, मैं लाल रंग की हूँ। यू कैन सर्व मी ऑन अ केक एंड ऑल्सो विद आइसक्रीम, आप मुझे केक के ऊपर या आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, मैंगो, वेरी गुड, आपने पहचान लिया। अब यहाँ लिखा है आई एम अ मैंगो, मैं मैंगो हूँ, आम हूँ। आई एम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मैं भारत का राष्ट्रीय फल हूँ, नेशनल फ्रूट हूँ इंडिया का। आई एम जूसी एंड पल्पी, मैं जूसी और पल्पी हूँ। चलिए यहाँ हमने कौन कौन से फलों के बारे में जाना, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और मैंगो के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नाउ ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन द विंटर एंड समर सीज़न। अब आप समर सीज़न और विंटर सीज़न में अवेलेबल फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे इन द बॉक्स गिवन, नीचे दिए गए बॉक्स में। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ ये जो नीचे बॉक्स दिया गया है, इसमें आप विंटर और समर सीज़न में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनके नाम लिखेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द फ्रूट्स मैंसनड बाई यू इन योर नोटबुक। आप जिन फलों के नाम यहाँ पर लिखेंगे उन फलों की पिक्चर या तो आप पेस्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया क्या काम करना है, इस बॉक्स में आपको विंटर और समर सीजन में अवेलेबल फ्रूट्स के नाम लिखने हैं और जिन फलों के नाम आप लिखेंगे उनकी पिक्चर्स या तो आप पेस्ट करेंगे या ड्रॉ कर रंग भरेंगे अपनी नोटबुक में। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ फ्रूट्स अवेलेबल इन द विंटर, जो फल सर्दियों में अवेलेबल होते हैं उनके नाम, एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, पियर्स, पपाया। तो बच्चों ये कुछ फ्रूट्स हैं जो विंटर में अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रूट्स अवेलेबल इन द समर, जो फल गर्मियों में अवेलेबल होते हैं कौन कौन से, मैंगो, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स, बनाना। तो ये फल गर्मियों में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर
आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इन फलों की पिक्चर्स लगा दी है। आप देख सकते हैं ये एप्पल की पिक्चर है, ये ऑरेंज की पिक्चर है, ये पोमेग्रेनेट की, ये पियर्स की, ये वाली पिक्चर पपाया की है। अब ये समर सीजन के फ्रूट्स हैं, ये पिक्चर मैंगो की है, ये वाटरमेलन की है, ये वाली पिक्चर स्ट्रॉबेरीज़ की है, ये पिक्चर ग्रेप्स की है, ग्रेप्स होते हैं अंगूर, और ये वाली पिक्चर बनाना की है। तो यहाँ मैंने इन फ्रूट्स की पिक्चर्स भी लगा दी हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।